कहाँ गए हुए थे? बाजार। ईद की शॉपिंग करने के लिए? हाँ। क्या क्या लिया? ये मेरा ड्रेस लिया। हाँ, और क्या लिया? ये चप्पल ली। क्या बात है, ईद मुबारक। तो गाइस यहाँ हिबा ईद की शॉपिंग करके आई है, जो कि ईद कल है, तो एडवांस में आपको ईद मुबारक है। ओके, आ जा अंदर। ओए गाइस, हिबा ने जैसे ईद की शॉपिंग कर ली है और कल ईद है, तो सबको मेरी तरफ से और ईदा के और हिबा की तरफ से हाँ ईद मुबारक। ओके ओए गाइस, कल अब मिलते हैं क्योंकि कल है ईद, तो कल का दिन हम थोड़ा सा आगे पीछे घूमेंगे, पहले नमाज पढ़ने जाएंगे, उसके बाद से चलो देखते हैं। ओके बाय बाय बाय, सी यू टुमारो। ओके अंदर चलो गाइस। सुबह के अब बज रहे हैं 6 और आज मौसम बहुत ही अच्छा हो चुका है, इस वक्त बारिश हो रही है और अभी हमने नमाज पढ़ने भी जाना है अभी ईद के लिए, तो पहले चलो नहा धो लेते हैं, फिर कपड़े शपड़े पहन लेते हैं, फिर आपसे बातचीत करते हैं। बट आज मौसम इतना अच्छा हो चुका है कि मज़ा आ रहा है, लेकिन एक बात है कि आज बारिश के कारण तो घूमना कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम हर ईद पे जाते थे कहीं ना कहीं घूमने के लिए, बट अगर ऐसी बारिश रही तो मुश्किल है इस बार। तो चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे। मौसम आप देख सकते कितना मस्त हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? और आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और गाइस अभी हम तैयार हो चुके हैं, ये देख सकते हो हमने ड्रेस पहन लिया, कौन ड्रेस, और आप देख रहे कैसा लग रहा हूँ मैं। गाइस अभी जा रहे हैं हम नमाज़ पढ़ने के लिए और बारिश भी सुबह से काफ़ी हो रही है, और अगर बारिश थोड़ी सी रुक गई तो फिर इंशाल्लाह जाएंगे कहीं घूमने के लिए, क्योंकि अक्सर हम जब भी ईद होती है तो हम जाते हैं कहीं घूमने के लिए। तो आज एक तो नानी ने भी कॉल की थी सुबह कि आप यहाँ हमारे आना, क्योंकि मामू काफ़ी टाइम 7-8 महीने के बाद घर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू उनकी ड्यूटी पर होती है, तो उनसे भी नहीं कभी मिला, तो इस बार उनसे भी मिल लूँगा, तो कोशिश करूँगा नानी के घर जाने की। ओके गाइस, मिलते हैं आपसे। ओके, एक बार फिर से ईद मुबारक। ईद मुबारक जनाब। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और गाइस, मैं नमाज पढ़ के वापस आ चुका हूँ घर पर और अभी कुछ खा पी लेता हूँ। और मम्मी कुछ खाने के लिए लाना मेरे। ईदी तो कुछ ईदी गाइस, ईदी तो देनी पड़ेगी और मुझे भी लेनी है अभी ईदी, तो पापा अभी बाजार में ही हैं क्योंकि वो अभी वहीं रुके हुए हैं, तो वो वापस आएंगे, मैं उनसे लूंगी। ये मुझे तो ये आपकी मित्र से ईद वो ईदी खुश हो, ठीक है ना? 1000 दिया तुझे, 1000 नहीं। ओ गाइस कुछ खा पी लेते हैं, फिर उसके बाद बातचीत करते हैं। और नानी संध्या जी की करें जो नहीं भी जा सकना था, बारिश थोड़ी चलो रुकी जैसी बात है, फिर जाना है ना राजमोहन संदेश। और गाइस आज की जो ईद है हमने जाना है अपनी नानी के घर, जो वो बुला रहे हैं कल से, और मामू भी आए हुए हैं, तो चलो उनसे भी मिल लूंगा। और गाइस ईदी कहाँ मेरी मिलेगी ईदी दोनों भाई। गाइस सेमिया, मैं सेमिया खा रहा हूँ, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा आपने बनाया, थैंक यू। बनाया किसने? मजा आ गया समझो। ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। मैं थोड़ा सा दे रहा गाइस, ईद मुबारक आप भी ले लो। गाइस ईद की आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, सबको ईद मुबारक है। ईद मुबारक सबको। ओके, क्या प्लान है फिर चलना की घूमने के लिए? चलने का प्रोग्राम है हमारा, लेकिन थोड़ा सा वेदर आपको पता आज काफ़ी मतलब बारिश वगैरह है, ऊपर से एडवाइजरी भी है थोड़ी, उसको भी हमने फॉलो करना है, तो देखते हैं। सुबह से बारिश काफ़ी हो रही थी, अभी थोड़ी सी रुकी है, लेकिन फिर भी हो रही है, थोड़ी सिमी सिमी सी बारिश हो रही है, तो कुछ पता नहीं होता कहीं आगे फिर हो जाए, तो चलो अगर ठीक रहा तो। गाइस घर पर तो ईद होगी है, अच्छे से होगी है, खा पी लिया, बट अब क्या हो रहा कि
नानी के घर से कॉल आ रही है तो वो बुला रहे हैं, तो अभी जा रहा हूँ मैं नानी के घर, साथ में मम्मी पापा सिस्टर सब जा रहे हैं। तो अब आपको सीधा नानी के घर मिलते हैं, और यहाँ पर बहुत मज़ा आया। ईद वैसे बहुत अच्छी रही, पहले तो ईद पर हम जाते थे घूमने के लिए कहीं बाहर, तो अब इस बार क्या हुआ कि बारिश हो रही है काफ़ी टाइम से, तो चलो इससे अच्छा है कि नानी के घर से वो कराते हैं। काफ़ी टाइम हो गया गए हुए, 3-4 महीने के बाद अब जा रहा हूँ। मेरी परी यहाँ देख सकती हो, यहाँ पर पार्क हुई है, ये भी काफ़ी दिनों से यहाँ पर ये रेस्ट कर रही है बेचारी, तो बारिश में चलो इसको आराम मिल जाता है, ये लेकर नहीं जाते। और ये आप देख सकते हो बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी तेज़, तो अभी बस जस्ट 4-5 मिनट में हम निकलने वाले हैं। तो ये आप मैं दिखा रहा हूँ, ये बारिश, आप देख लो कितनी तेज़ आ रही है बारिश। तो चलो वैसे बारिश के मौसम में अलग ही एक मज़ा होता है, देख सकते हो कितनी पीछे फाग हो गई है पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, वाह मज़ा, क्या बात है। चलो ना आ जाओ। फाइनली हम पहुंच चुके हैं, अब देख सकते हो यहाँ के नज़ारे। देखो जी कितने खूबसूरत जगह है, आगे आपको दिखाते हैं, अभी गाड़ी हम लगा लेते हैं एक जगह पे। यहाँ पर भी बारिश हो रही है काफ़ी, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं यहाँ नानी के घर पहुँच चुका हूँ, आहिल यहाँ पर आगे मेरा इंतज़ार कर रहा था। आहिल क्या हाल है, पीछे बैठ, पीछे बैठ, क्या हाल है। तुझे पता जो तूने वीडियो मेरे साथ नहीं बनाई थी, तो काफ़ी नीचे कमेंट आए हैं काफ़ी कि आहिल बहुत क्यूट है, आहिल बहुत अच्छा है, ऐसे बड़े कमेंट आए नीचे। उनने फ्रेंड्स ने ये बोला कि आहिल बहुत क्यूट है, आहिल बहुत अच्छा है, आहिल को दोबारा से वीडियो में लाओ, तो मैंने इसीलिए लिया। और कैसे आप इधर देखना कैसे ईद कैसी रही, हाँ यह बात सुना, ईद कैसी रही। खैर मर कभी याद है तुझे ईद मुबारक, ईद मुबारक। और ईद कैसी कैसी रही ईद तेरी, हाँ अच्छी रही, चल ठीक ठीक है ना, ठीक हाँ। ओए गाइस मैं यहाँ पर नानी के घर आया हुआ हूँ, और गाइस यहाँ पर एक बात ये है कि गांव की एक बात ये है, तो एक तो खुले खुले ये जगह ही जगह है, यहाँ पर आप नज़ारा देख सकते हो कितनी खूबसूरत जगह है, आपकी जहाँ तक नज़र जाती है मतलब वो उधर तक देख सकते हो आप। आज तो फाग है, वहाँ जो पहाड़ हैं वो दिखाई नहीं दे रहे, और यहाँ पर कुछ दरख्त हैं जैसे ये है वगैरह, और ये है अमरूद का, और यहाँ पर फल लगे हुए भी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला फल लगा, अभी छोटे हैं मतलब कच्चे हैं ये, अभी बड़े होने में टाइम है। तो ये अमरूद का दरख्त है, और वहाँ पर जो हुआ वो अनार का है, वो अनार का, और ये है हमारे सेब का पेड़, ये सेब का दरख्त है, ये भी छोटा है, अभी बड़ा होने में टाइम लगेगा इसको। और वहाँ नीचे हैं कुछ सेब के दरख्त जो बड़े हैं, उनके साथ सेब लगे हुए भी हैं छोटे छोटे से, वहाँ पर भी है एक। यहाँ पर आप पेड़ देख सकते हो, गांव में यही है कि दरख्त काफ़ी होते हैं, मतलब पेड़ वगैरह काफ़ी आपको पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये मक्की आप देख सकते हो, ये भी बड़ी हो चुकी है, और बाकी ये खूबसूरती। और शहर में मतलब यह ना बस सिर्फ टाइम पास करने वाली बात है, मतलब वहाँ पर बस अंदर अंदर और कुछ नहीं है, बस काम, जब आपको काम है आप काम पर जाओगे, उसके बाद कुछ नहीं है। और यहाँ पर हमारे साथ हैं, मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, मेरा कज़न ब्रदर फैज़ान खान। हेलो गाइस, ओके फैज़ान से, हाँ फैज़ान से हम बातचीत करते हैं। कज़न ब्रदर मामू का बेटा है ये मेरे, और यहाँ पर जैसे मैं आया हुआ था इधर मामू के घर, तो ये यहाँ पर हैं, तो इनका अपना यूट्यूब चैनल है, नाम है फैज़ान खान व्लॉग्स, हाँ फैज़ान खान व्लॉग्स इनका यूट्यूब चैनल है। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये आपने देखी मेरी यहाँ लास्ट तक, तो आप ज़रूर जो फैज़ान खान व्लॉग्स चैनल है उनको सब्सक्राइब करना, इन्हें अच्छी अच्छी वीडियोज बनाई। और इनके साथ में अभी तो मतलब मैं मुझे था नहीं कि ये अभी घर पर भी मिलेंगे, क्योंकि ये मैक्सिमम टाइम मेंटर होते हैं, क्योंकि मेंटर में पढ़ते हैं, यहाँ पर स्कूलिंग करते हैं, मेंटर में पढ़ते हैं ये 11th, आप 11th हो गए, 11th में, तो ये मेंटर में पढ़ते हैं वहाँ पर ही, तो अब मुझे मिल गए, तो इन शानी के साथ वीडियो बनाएंगे एक अच्छी सी, और
और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हो नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मेरी और फैजान और चांद इधर आना एक मिनट आना चलो ओके मेरी और फैजान की तरफ से आप सबको ईद मुबारक आप सबको और सी यू सून अल्लाह हाफिज और हमारी दुआओं में अपनी दुआओं में हमें याद रखना और ये देख सकते हो ये है जॉन जो कि हाँ अयान और जो कि फैजान की वीडियो में काफ़ी है ये तो इनके खास कर एक फेमस इनका एक वीडियो मुझे बड़ा अच्छा लगा था यार वो था ना पगले को पगली से प्यार हुआ भाई वीडियो जरूर देखना हमको भाभी पसंद है ओके आई सी यू अल्लाह हाफिज़